हेलो एवरीवन, वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कुकुरबिट्स के इंसेक्ट एंड पेस्ट के बारे में। नाउ व्हाट आर कुकुरबिट्स? कुकुरबिट्स जो है वो मेंबर्स हैं कुकुरबिटेसी फैमिली के, जिनके एग्जांपल्स हैं पम्पकिन, कुकुम्बर, बॉटल गार्ड, स्नेक गार्ड। ये सब जो है वो कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स हैं। तो इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इन कुकुरबिट्स में जो जो इंसेक्ट लगते हैं उनके बारे में। फर्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट है कुकुरबिट्स का रेड पम्पकिन बीटल। पम्पकिन बीटल्स का साइंटिफिक नेम है ओलाकोफोरा फोवेकॉलिस। इसकी फैमिली है गैलेरोसिडी, ऑर्डर है कोलियोप्टेरा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, ये एशिया में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ऑस्ट्रेलिया, सदर्न यूरोप, अफ्रीका में ये सीरियस पेस्ट है। होस्ट रिंग इसका है, ये साथ पम्पकिन में तो करता ही, और साथ साथ उसके टिंडा, घिया तोरई, कुकुम्बर, मेलन्स, ये सब में भी ये अटैक करता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेस्ट कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उनके जो निम्फ और एडल्ट होते हैं वो ऐसे येलोइश ग्रीन कलर के होते हैं। जो निम्फ होता है उसका जो ब्लैकिश हेड होता है, जो टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं वो थोड़ा डार्क होते हैं, और उनमें वेवी फिलामेंट्स, वेवी व्हाइट कलर के फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं। और इनका एडल्ट आप देख सकते हैं, नाम है इनका रेड पम्पकिन बीटल, तो ये रेड कलर के इस तरीके से दिखते हैं इनकी बॉडी। इनका डैमेजिंग सिम्टम्स देखते हैं, इस पे डैमेजिंग स्टेज दोनों होती है, ग्रब्स भी और बीटल्स भी। जो ग्रब्स होते हैं वो जो सॉइल सरफेस के नीचे फीड करते हैं, जितना भी रूट्स अंडरग्राउंड स्टेम का जो पार्ट होता है उनको फीड करते हैं, और साथ में फ्रूट्स को भी ये फीड करते हैं। जितने भी सॉइल के कॉन्टेक्ट में जो फ्रूट्स होते हैं उनको भी ये फीड करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं पम्पकिन जो होते हैं वो क्रीपर्स होते हैं, मीन्स इनके फ्रूट जो होते हैं वो सॉइल में ही होते हैं, तो उनको भी क्या करते हैं, ये फीड करते हैं। जो एडल्ट होते हैं वो ऐसे पार्ट को फीड करते हैं प्लांट के जो सॉइल के ऊपर होता है, अबव द ग्राउंड होता है। और अर्ली सोन कुकुरबिट्स में तो ये बहुत ज़्यादा सीवियरली डैमेज कर देते हैं। इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है कि उनको फिर से उखाड़ के हमें रीसो करना पड़ता है, वापस से उसकी सोइंग करनी पड़ती है। इनके मैनेजमेंट देखते हैं, इसके मैनेजमेंट के लिए हम लोग को हार्वेस्टिंग तुरंत बाद प्लोइंग कर देना चाहिए फील्ड को, ताकि जितने भी हाइबरनेटिंग एडल्ट हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं। एडल्ट बीटल को कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय करना चाहिए। हम डाइमेथोएट या फिर मिथाइल डिमेटोन का स्प्रे भी कर सकते हैं रेड पम्पकिन बीटल को मैनेज करने के लिए। हम नेक्स्ट कुकुरबिटेसी का इंसेक्ट है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाइज, इसका साइंटिफिक नेम है बैक्ट्रोसेरा कुकुरबिटे। इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है इंडिया का, और ये पाकिस्तान, म्यांमार, मलेशिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हवाई, ये सब जगह भी पाया जाता है। इसका होस्ट है मेलन, टमेटो, चिलीज, गुआवा, सिट्रस, पियर, फिग एंड कॉलीफ्लावर। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इनके जो एग्स होते हैं वो सिंगल सिंगल फॉर्म में ले होते हैं, और कभी कभी उन क्लस्टर्स में भी देखने को मिलते हैं जब फ्रूट्स में होते हैं वो। तो लार्वा जो होता है वो ऐसा पेल डर्टी सा कलर का होता है, और वाइट एपोडस मैगट बोलते हैं इसकी लार्वा को। प्यूपा जो होता है वो सॉइल में प्यूपेट करता है। सिम्टम्स ऑफ डैमेज देख लेते हैं। इनके जो मैगट्स होते हैं ये क्या करते हैं, फ्रूट के पल्प को फीड कर देते हैं, और ऊजिंग होती है। जितने भी वो ऐसे फ्लूइड रिलीज करते हैं तो जो उनके फ्लूड्स होते हैं वो फ्रूट में हमको दिखते हैं, जिसको हम लोग गमोसिस भी बोलते हैं। कुछ इस तरीके का सिम्टम देखने को मिलता है। और जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो माल फॉर्म होते हैं, उनके स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसे हल्का रॉटन दिखते हैं। देख सकते हैं आप पिक्चर में, ये इन्फेक्टेड फ्रूट का एक इमेज है। देन इनके जो प्लांट होते हैं उसमें प्री मेच्योर ड्रॉपिंग, मीन्स मेच्योरिटी से पहले ही फ्रूट जो होते हैं वो गिर जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, और ऐसे स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, और फ्रूट जो होते हैं वो एडिबल नहीं रह जाते, कंजप्शन के लिए फिट नहीं रह जाते, और ऐसा ब्राउनिश टिश्यू भी हमें देखने को मिलता है जब ये फ्रूट फ्लाइज जो होते हैं वो कुकुरबिट्स में अटैक करते हैं। इनका मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट के लिए जितने भी गिरे हुए फ्रूट्स हैं, जो मैंने जैसे कि मैंने बताया इनके सिम्टम्स में कि फ्रूट्स जो होते हैं वो मैच्योर होने से पहले ही गिर जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, तो ऐसे जो फ्रूट्स हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, कलेक्ट करके डीप पिट्स में डाल देना चाहिए। और जितने भी एंडेमिक एरियाज हैं, एंडेमिक एरियाज मीन्स ऐसे एरियाज जहाँ पे अक्सर ये जो फ्रूट फ्लाइज हैं ये अटैक करते हैं, वहाँ पे हमें सोइंग डेट को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि रेनी सीजन के दौरान ये बहुत ज़्यादा अपना पॉपुलेशन बढ़ा लेते हैं।
तो हम रेनी सीजन में सोइंग ना करके उसके पहले कर देते, ताकि जो हॉट ड्राई कंडीशन में इनका पॉपुलेशन जो है वो कम रहेगा। हम लोग प्लोइंग करके इनके प्यूपा को ऊपर ला सकते हैं सॉइल के, देन उन्हें हटा सकते हैं। सिट्रोनेला ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, ये सब भी यूज कर सकते हैं। ये सब एट्रैक्टेंट्स हैं जो कि फ्लाइज को ट्रैप करने का काम आता है। पॉइसन बेटिंग कर सकते हैं, जब सीवियर इन्फेस्टेशन होगा तब फ्लाई ट्रैप्स का भी यूज कर सकते हैं, वेट फिश मील का यूज कर सकते हैं और डाइक्लोरवस का भी यूज कर सकते हैं फ्रूट फ्लाइज को मैनेज करने के लिए। थर्ड इंसेक्ट है कुकुरबिट्स का पम्पकिन कैटरपिलर, साइंटिफिक नेम है डायफेनिया इंडिका। इसका आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। इनके जो एग्स होते हैं वो सिंगल सिंगल फॉर्म में भी ले करते हैं और साथ में ग्रुप में भी ले करते हैं, और ये याद रखिएगा लीव्स के लोअर सरफेस पे अपने एग्स को ले करते हैं। इनका जो लार्वा होता है ये ब्राइट ग्रीन कलर का होता है और व्हाइट ऐसा मिड डोर्सल लाइन बनी होती है, एक लाइन बनी होती है व्हाइट कलर की इनके मिड डोर्सल पार्ट पे। प्यूपा जो होता है इसका प्यूपेशन कोकून के अंदर होता है जो कि लीव्स में पाया जाता है, और जो एडल्ट होता है उसके ऐसे व्हाइटिश विंग्स होते हैं और ब्रॉड डार्क मार्जिनल पैचेस भी होते हैं इसमें, और फीमेल के पास ऑरेंज कलर का ऐसा टफ भी होता है एनल एंड में। ये देख सकते हैं ये फीमेल है, फीमेल एडल्ट है। इनका सिम्टम्स ऑफ डैमेज देख लेते हैं। इनके जो यंग लार्वा होते हैं ये क्या करते हैं, सारे क्लोरोफिल कंटेंट को खुरच देते हैं पत्तियों से, जिसके कारण ऐसा येलोइश टाइप का टेक्सचर दिखने लग जाता है लीव्स में, और बाद में लीव्स थोड़ी सी फोल्ड हो जाती हैं और ऐसे वेब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है उसमें। और ये क्या करते हैं, फ्लावर्स को भी फीड कर लेते हैं और जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसमें भी ये बोर करते हैं, छेद कर देते हैं। इनका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, जितने भी अर्ली स्टेज कैटरपिलर्स हैं उनको कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पैरासिटॉइड का यूज कर सकते हैं, एपेंटेलिस स्पीशीज और डायमेथोएट या फिर मिथाइल डिमेटोन का स्प्रे कर सकते हैं। फोर्थ है स्नेक गॉड सेमिलुपस। ये स्नेक गॉड का ही मेजर इंसेक्ट है इसलिए इसका नाम भी है स्नेक गॉड सेमिलुपस। इसका साइंटिफिक नेम है प्लूसिया पेपोनिस। आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। इनका जो एग होता है वो व्हाइट स्फेरिकल एग होता है जो कि सिंगली सिंगल फॉर्म में ले करता है, और टेंडर लीव्स मीन्स जो नरम नरम पत्तियां होती हैं, जो न्यूली फॉर्म लीव्स होती हैं उनमें ये अपना एग को ले करता है। इसका जो लार्वा होता है वो ग्रीन कलर का होता है और इसमें ऐसे लॉन्गिट्यूडनल लंबी लंबी व्हाइट कलर की स्ट्राइप्स देखने को मिलती है इनके एब्डोमिनल सेगमेंट्स में। इनका प्यूपा जो होता है, प्यूपेशन जो होता है वो लीफ के फोल्ड के अंदर पे होता है, और इनका जो एडल्ट होता है वो ब्राउन मोथ होता है, साथ में उनके पास शाइनी ब्राउन फोर विंग्स भी पाई जाती है। डैमेज सिम्टम्स देख लेते हैं। इनके जो लार्वे होते हैं वो क्या करते हैं, लीव्स को फीड करते हैं और ऐसा वेब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओवरीज जो होती है उनको भी खा लेते हैं ये जो इंसेक्ट होते हैं, वो ओवरी और जितने भी यंग डेवलपिंग फ्रूट्स होते हैं उनको भी खा लेते हैं, जिसके कारण से फ्रूट का जो डेवलपमेंट होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। और फ्लावर जो बियर करने वाले होते हैं फ्रूट्स, वो इनके कारण, इनके अटैक के कारण वो फ्रूट भी नहीं बियर कर पाते हैं और साथ में ये फ्लावर्स को भी डैमेज कर देते हैं, और जितने भी फ्रूट्स अगर डेवलप हो भी जाते हैं तो फिर वो कंजप्शन के लिए अनफिट हो जाते हैं, वो नॉन एडिबल हो जाते हैं। अब इनको मैनेज कैसे कर सकते हैं, इनको अर्ली स्टेज में ही जो कैटरपिलर्स उनको कलेक्ट कर सकते हैं, डाइमेथोएट या मिथाइल डेमेटोन का स्प्रे कर सकते हैं। हम लोगों को इसके डीडीटी, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, बोर्डेक्स मिक्सचर, सल्फर डस्ट, ये सबको यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हाईली फाइटोटॉक्सिक होते हैं। और हम लोग को लार्वर पैरासिटॉइड का यूज करना चाहिए जैसे कि एपेंटेलिस स्पीशीज। इस पे जो कुकुरबिट्स पे इंसेक्ट लगते हैं मोस्टली उसमें ये वाला लार्वर पैरासिटॉइड जो है एपेंटेलिस स्पीशीज वो यूज हो सकता है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा बायोलॉजिकल कंट्रोल का यूज करें, क्योंकि जो केमिकल कंट्रोल होता है वो हम लोगों को लॉन्ग टर्म में हार्म करता है हमारे फील्ड को, तो इसलिए कोशिश करना चाहिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अपनाने का। और जितने भी बायोलॉजिकल कंट्रोल्स मेथड हैं, कल्चरल मेथड्स हैं, उनको यूज करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। फिफ्थ है लीफ माइनर, साइंटिफिक नेम है लीरियोमाइजा ट्राइफोली। आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। इनका जो लार्वा होता है वो ऑरेंज येलो इस एपिडस मैगट्स होता है। प्यूपा जो होता है वो माइंस में ही होता है, विद इन माइंस, और इनका एडल्ट होता है वो पेल येलो इन कलर होता है। सिम्टम्स ऑफ डैमेज देखते हैं।
लीव्स को ये क्या करते हैं, माइन कर देते हैं, ऐसा छेद कर देते हैं, और साथ में इस पे ऐसे ये जो स्ट्रक्चर है ना, जो ऐसे धारियां दिख रही हैं कोई भी इरेगुलर पैटर्न की, उसे बोलते हैं माइंस। इस पे भी आपको देखने मिल सकती है येलो कलर के माइंस। ये क्या करते हैं, लीफ माइनर है, इट मीन्स नाम से पता चल रहा है कि ये माइंस करेंगे, माइंस बनाएंगे। इसके पास माइंस बनाने के बाद जो लीव्स होती है वो ड्राई हो जाती, सूख जाती है और मुरझा जाती है, और सीवियर इन्फेस्टेशन में गिर भी जाती, झड़ भी जाती है जो लीव्स होती है। उनको मैनेज कैसे करेंगे, सबसे पहले जितने भी माइंड लीव्स हैं जो डिस्ट्रॉय हो चुकी, जिसमें माइनिंग हो चुकी है, उसको कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देंगे, और नीम सेट कर्नल एक्सट्रैक्ट 3% का भी स्प्रे कर सकते हैं। लास्ट इंसेक्ट है कुकुरबिट्स का बॉटल गार्ड प्लूम मोथ। नाम से ही पता चल रहा है कि ये बॉटल गार्ड मीन्स लौकी में लगते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है स्फेनर्कस कैफर। आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं, ये अपने एग्स को सिंगल सिंगल ले करता है बर्ड्स एंड लीव्स में। ये जो लार्वा होते हैं वो स्मॉल सिलिंड्रिकल होते हैं और येलोइश ग्रीन विथ शॉर्ट स्पाइन, और इनके पूरे बॉडी में छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं। इनका जो प्यूपा होता है वो ग्रीनिश ब्राउन कलर का होता है, और जो एडल्ट होता है वो ऐसा लंबा सा होता है, और दो लोब्ड विंग्स होते हैं इनके पास, और कुछ कुछ विंग्स इनके ऐसे फ्रिंज्ड भी होते हैं जिसमें स्केल्स मौजूद होती हैं। सिम्टम्स ऑफ डैमेज देख लेते हैं इसका। इसका जो लार्वा होता है वो डैमेजिंग स्टेज होता है, वो लीव्स को फीड करता है और उसमें छोटे छोटे छेद बना लेता है। मैनेज कैसे कर सकते हैं, इनके लार्वा प्यूपा को कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर लेना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए डाइमेथुएट और मिथाइल डिमेटोन का। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ कुकुरबिट्स। इस वीडियो में हमने कुकुरबिट्स के जितने भी इम्पोर्टेंट इंसेक्ट थे वो कवर किए, उनके साइंटिफिक नेम के बारे में जाना, और उनके जो मेजर जो सिम्टम्स थे वो देखे, मैनेजमेंट देखा हमने इसका। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लाइक एंड शेयर। अगर आपको और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें सजेस्ट करें। थैंक यू।